Hey guys, welcome back to my channel. तो बिस्किट बॉक्स चैनल फिर से ना बिस्किट रिव्यू करने वाले हैं। पर इस टाइम हम लाए, मैं पूछना चाहता हूँ ये बिस्किट आदम लाए वो किसने ने खाया होगा ये बिस्किट को, सबको कितने सबसे एक्चुअली कब से खाते आ रहे हैं हमें बिस्किट। और अभी तो हम वीडियो लाए इसका आपको टेस्ट बताने के लिए, इसका रिव्यू कौन सा है जो आता है ब्रांड ब्रिटानिक तरसन वाला गुड डे कैश्यू कुकीज। ब्रिटानिया का गुड डे कैश्यू कुकीज बिस्किट, ये आपको सबको पता है आप कब से खा रहे हो। मेरे पापा बचपन से ये बिस्किट को है ना, बचपन से सबको पता, एक्चुअली अभी पता ही होगा आपको मुंह में अब इसका फ्लेवर कैसा आ रहा होगा। ये कैश्यू का ओरिजिनल फ्लेवर जो नॉर्मल सबको पसंद रहता होगा, इसके दूसरे फ्लेवर पसंद रहता होगा। मैं इसका पहले बनाया हुआ वीडियो जो मैं बनाया था गुड डे ही है, वो अलग फ्लेवर था, वो कमेंट कर देना कौन सा फ्लेवर था गाइस। ठीक है, आज हम लाए इसका कैश्यू कुकीज फ्लेवर, तो इसमें देखते हैं। और इसका क्या है, मुझे इसमें लिखे हुए हैं, पहले तो इसका वेट एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही वेट है इसका, इसमें 200 ग्राम्स ऑफ वेट है इसमें, और एक्चुअली प्योर वेज बिस्किट है पहले तो। और इसमें लिखे हुए इधर ऊपर मेनी स्माइल्स मेक अ गुड डे। एक्चुअली इसमें क्या, अभी थोड़े आप पहले देखे होंगे पहले गुड डे वो थोड़े आते नॉर्मल ऐसे डिजाइन से आते होंगे, पर इसमें ये थोड़ा स्माइली शेप बोल रहा है, इसमें देखते हैं स्माइली शेप आता है कि नहीं। ठीक है, अब इसकी प्राइसिंग बता दो, इसकी प्राइसिंग है 50 रुपीज का। आपको टोटल मिलते हैं आपको इसमें पैक 1, 2, 3 पैक्स मिलते हैं आपको 50 रुपीज के हिसाब से, एक्चुअली मस्त है। ठीक है, अभी जान लो ये बनता है दो जगह पर, एक बनता है तेलंगाना और एक बनता है यूपी में, उत्तर प्रदेश। ठीक है गाइस, तो अभी जान लेते हैं इसके न्यूट्रिशन कंटेंट्स थोड़ा सा क्या हो गया। न्यूट्रिशन कंटेंट छुपा के रखे हैं नीचे साइड का, अभी सील ना खुल जाएगा। तो इसमें मिलता है आपको एनर्जी 500 ग्राम्स, प्रोटीन मिलेगा आपको इसमें 6.6, टोटल कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे आपको इसमें 65, शुगर मिलेगा 21, टोटल फैट मिलेगा आपको इसमें 23। तो अभी जान लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स गाइस। इसमें आपको मिलता है रिफाइंड व्हीट फ्लावर एंड की मैदा, पाम ऑयल मिलेगा, शुगर कैश्यू नट्स मिलेंगे आपको इसमें, मिल्क सॉलिड मिलेंगे आपको इसमें, बटर मिलेगा, रेजिन एजेंट्स मिलेंगे, आयोडीन सॉल्ट मिलेगा। और इसका जो मेन कंटेंट है बनाने का बिस्किट का है वो है व्हीट नट्स एंड मिल्क। ठीक है, एकदम मस्त है व्हीट नट्स और मिल्क। नट्स बहुत सारे बिस्किट में आते हैं देखते हैं, पर नट तो मुझे एक्चुअली दिखते नहीं है, नट है कि शायद इसमें एक कैश्यू होगा नट, और मैं दूसरे भी बनाया हूँ बिस्किट में उनमें नट तो नहीं थे, इसमें एक्चुअली नट है। ठीक है, नट है जाने वाले, अब इसको खोल के देख लेते हैं। चलिए गाइस, इसमें तो आपको ऐसे क्या सील ऐसे मिलता है ये वाले फाड़ने के, इसमें आपको एकदम मस्त ऐसे क्या सील दे रहे थे, एकदम आराम से इसको फाड़ सकते गाइस। ठीक है, एक्चुअली मैं सोचा नहीं था ऐसे पैकिंग देंगे, सो तो ऐसे कुछ अभी मैं देखा, मेरे एक पहले वीडियो देख लो उनमें एक ऐसे रैक्स जैसे थे एकदम मस्त एकदम दिखते थे, इस वाले में नो रैक्स, सीधा का ऐसे दे देगा, देखिए सीधा सारे ऐसे ऐसे हो गए, थोड़े बिस्किट साइड में, ऐसा कुछ रैक्स जैसा नहीं है। अभी ऐसे समझ इधर पड़े रहते हैं, तो हम ऐसे उठाइए खा लीजिए इसको फर्स्ट में, आप देख लीजिए वो बोले थे ना एक स्माइली, मुझे एक्चुअली वो आप स्माइली है गाइस, देखिए ठीक है वो स्माइली है। अभी काउंट कर लेते पीसेस कितने मिलते हैं आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 30 पीसेस मिल जाता है आपको बिस्किट में, 30 पीसेस एक्चुअली मस्त, 30 पीसेस 50 रुपीज के हिसाब से, 30 पीसेस 22 रुपीज का एक बिस्किट गए, समझिए 2 रुपीज का एक बिस्किट है। अब इसको फर्स्ट एक स्मेल लेके देखते हैं, फिर मतलब इसका टेस्ट कैसा, तो एक्चुअली जो है वो कि एकदम स्वीट से बटर का फ्लेवर आता है ना उससे वैसे इसका फ्लेवर आ रहा है, और कैश्यू का लाइट से एकदम मिक्स होकर आता है ना, जबरदस्त लगता है अंदर से। एक्चुअली इधर कैश्यू भरे रहेंगे शायद गाइस, नहीं गाइस कैश्यू तो अंदर एक्चुअली भरे नहीं है गाइस, मुझे तो कहीं एक्चुअली कैश्यू तो मुझे दिख नहीं रहा, मुझे इसके ऊपर जो इसके ऊपर है ना उधर दिख रहे कैश्यूज वाली, अंदर मुझे तो एक्चुअली वही जो बिस्किट रहता है वही है। तो अब इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, जो क्लास बिस्किट बोलते हैं ना वो जो बटर के साथ वो मिक्स होता है फ्लेवर, वो कैश्यू का जो फ्रेशनेस है ना
वो इसमें ही है गाइस, गुड्डे में जबर मस्त फ्लेवर है इसमें। वो कैश्यू और बटर का फ्लेवर ऐसा मिक्स होता है ना, आप समझिए क्या होता है, कैश्यू लीजिए और थोड़ा सा क्या बटर एक्चुअली थोड़ा मिक्स कर दीजिए उसे बिस्किट के ऊपर से मस्त लगाइए, वैसे ही फ्लेवर आएगा जब वो, कितना मस्त लगता है खाने को। और एक अभी कैश्यू ऐसा निकाल के देख लेते हैं, ये गाइस वो नट दिख रहे हैं ना, वो ये है, इसमें नट है गाइस, ठीक है नट है इधर, तो एकदम मस्त लगता है खाने को। और ज्यादा ऑयली ऐसा कुछ नहीं है ऐसे बिस्किट, ज्यादा ऑयली नहीं है, बस लाइट से थोड़ा ऑयली फील होगा नॉर्मल बिस्किट से, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही ऐसा ऑयल है, नॉर्मल बिस्किट थोड़ा इसमें ऑयलनेस है पर खाने में जबरदस्त है, ठीक है। तो काम करता है इसी साथ शुरू करता हमारे एक्सपेरिमेंट, आपको पता है ना तो कमेंट कर देना। चलिए शुरू करता हमारे एक्सपेरिमेंट विद गुड बिस्किट। तो फ्रेंड्स एक्चुअली मैं इधर से बिस्किट पहले ही ले लिया था, देखने को कितने सारे एक बिस्किट में चूज करके निकाला नट, कितने भर भर के नट डाले, कितने भर भर के नट है इसमें, काउंट करने का ही नहीं इतने नट डाले हुए इसमें कैसे, ठीक है। तब इसको टेस्ट ग्लास में लेते पानी इसका, इधर बिस्किट का स्टर्न चेक करते पानी में डाली गया 5 सेकंड के लिए गए, क्योंकि नॉर्मल से इतना लाइट सा बिस्किट है, दिखने में स्ट्रेंथ लगता है पर नहीं कैसे टूट जाएगा। 1 2 3 4 5 पता है मुझे तो एक्चुअली सॉफ्ट तो होएगा इसका फील देखते हैं, अब इसको ऐसे टेस्ट कर लेते हैं। तो एक्चुअल जो क्या हो गया पानी में जाती है वो निकल के क्या हो गया, मैं इसको बोलता हूँ नॉर्मली खाइए, आपको लगेगा कि पसंद आएगा वो नहीं आएगा, वैसे सिचुएशन पर है। क्या हो गया जैसे नॉर्मल खाते हो वो बटर का जो कैश्यू का फ्लेवर था वो ओरिजिनल फ्लेवर जबरदस्त क्लास जैसा होता ना वैसा है, पानी में जाती थोड़ा सा क्या हो गया बटर का ओनली वो क्या फ्लेवर आने लग गया, कैश्यू का जो मुझे फ्लेवर नहीं आया, वो बिस्किट का जो एकदम स्वीटनेस था वो भी नहीं आ रहा था, एक्चुअली दो फ्लेवर न्यूट्रल हो गए, बटर का वो लाइट सा फ्लेवर जो एक्चुअली मुझे पसंद नहीं आता वो नॉर्मली खाई जबरदस्त लगेगा, पानी में डालते थोड़ा सा वो फ्लेवर निकल जाता जो मुझे अच्छा लगता पर नॉर्मली जबरदस्त। तो फ्रेंड्स मैंने टेस्ट कर चुका था ब्रिटानिया का एकदम गुड्डे बिस्किट जो जबरदस्त क्लास नंबर वन, जितना भी गाइस का एकदम नंबर वन बिस्किट है, खाने में जबरदस्त है। तो बोलते हैं इसको स्कूल जाया जाता है ना बच्चों को, एक्चुअली मिनिमम 3 दे दीजिए, 3 खा लेंगे जाए तो 5 दे दीजिए गाइस, 5 दे दीजिए, खाते रहे मस्त रहेगा, बिस्किट में स्कूल में बांट सकते हो बच्चों को, खाने को मस्त रहेगा। और इसको बोलते पानी के साथ नहीं गाइस चाय के साथ ले सकते हैं, चाय के साथ तो क्या होता है स्वीट का जो फ्लेवर निकल गया था ना वो जबरदस्त रहता है, मस्त लगेगा चाय के साथ या फिर नॉर्मली, पर पानी के साथ मैं एक्चुअली इसको रिकमेंड नहीं करता गाइस, ठीक है। जो मना है बिस्किट ब्रिटानिया गुड्डे आ जाएगा मॉर्निंग शार्प यूट्यूब पे देख जाना, 8 o'clock आ जाएगा एवरी डे आता है 8 o'clock, ठीक है गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग फ्रॉम बिस्किट बॉक्स।